तब गुरु पूर्णमासी की भी और आज की भी साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार, क्योंकि कल तो अपने लिए कुछ समय नहीं दिया गया था, इसके लिए गुरु पूर्णमासी की भी दंडवत आज मैं कर रहा हूँ। प्रश्न है यज्ञ और निष्काम और निष्काम काम में कैसे समन्वय संभव है, कृपया स्पष्ट। वैसे वैदिक धर्म के अनुसार यज्ञ भगवान का एक नाम है, यज्ञों वही विष्णु, विष्णु भगवान को ही यज्ञ कहते हैं, यज्ञ ही विष्णु है। ये स्वाभाविक रूप से होता रहता है, जैसे पृथ्वी आपको धारण करती है, यज्ञ कुछ भी किराया नहीं देती धरती अपने ऊपर रहने का, वर्षा होती है जल है वो भी किराया नहीं देता है, निष्काम नहीं होता है, सूर्य की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो चांदनी है, ये यज्ञ है। स्वस्ति पंथा अनुचरेण सूर्य चंद्रमसा विदो पुनर्दता जानता अग्नता संगमी। हम अच्छे मार्ग से चलें सूर्य और चंद्रमा की तरफ, यज्ञ कर रहे तो सूर्य और चंद्रमा हमें प्रकाश दान कर रहे हैं, हमारे अंदर जो ग्लानि म्लानि है उसको हर रहे हैं, हमारी शिकोता को दूर कर रहे हैं। यज्ञ में तीन काम मुख्य है, देना दान करना और लेना अग्नि से जल से पृथ्वी से, प्राशन है अभिषेक है आहुति देने के लिए अग्नि के पास बैठना है, आदान प्रदान है और उत्सर्ग माने एक नियमित जीवन है। यज्ञ में ये छोड़ दिया जाता है, ये काम नहीं करना है, इनसे नहीं बोलना है, ये नहीं खाना है। तो सूर्य और चंद्रमा सबसे बड़े जागीर हैं, इसी से भगवान ने पहला चेला अपने को निष्काम कर्म का सूर्य को ही बताया है। इमं विवस्वते युगम रोक्तवान अव्ययम् विवस्वान मनोरिक्षाकवे गृहि एवं परंपरा प्राप्त एवं परंपरा प्राप्त राजस्व। तो सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, वायु यज्ञ कर रहा है, सबको प्राण देता है, सांस अगर वायु ना हो वायु यज्ञ न करे, अपना अंशदान न करे सबको मर जाएगा सबको, ये जीवन दान यज्ञ। आकाश यदि एक का बोला हुआ शब्द दूसरे तक न पहुंचावे न पहुंचने दे तो लोग आपस में कोई वाणी का व्यवहार कर ही नहीं सकते, आकाश यज्ञ कर रहा। ये समग्र सृष्टि जो है ये यज्ञ रूप है, इसी से यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, यज्ञेन भगवत रूपेण प्रपंचेन, विराट के अवयव से ही तो यज्ञ होता है ना, विराट की ही पूजा होती है और विराट के अवयवों के द्वारा ही ये बात पुरुष सूक्त में श्रीमद् भागवत में महाभारत में हजारों बार आती है। देखो हम भगवान को भोग लगाते हैं, माटी का बना हुआ अन्न, माटी तो भगवान की है भगवत रूप में,
जल भगवान को भोग लगाते हैं तो जल के रूप में तो भगवान ही है। पूर्ण गंधा प्रतिव्याच रसो हम सुय तेजस्यात्मी विभाव सब पवन पवता महा शब्द थे पौरुषम ऋषो। तो भगवान के स्वरूप से ही भगवान की पूजा होती है। तो ये जो यज्ञ है भागवत गीता में तो 12 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है और यज्ञ को बताया है कि ये यज्ञ जो है ये विश्व के संसाधन की धुरी है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पहले है प्राणी, दूसरे है अन्न, पर्जन्याद अन्न संभव मेघ से है अन्न और पर्जन्य कहाँ से आता है कि यज्ञोद्भव मिलते बीच में आ गया यज्ञ चौथा और यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ के बाद कर्म है और कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि कर्म के बाद वेद है और ब्रह्माक्षर समुद्भव ब्रह्म के बाद अक्षर है। तो बीच में है यज्ञ यज्ञ से पर्जन्य पर्जन्य से अन्न और अन्न से भूत ये तो लौकिक सृष्टि चल रही है यज्ञ के द्वारा और उधर यज्ञ का कारण कर्म और कर्म का कारण वेद और वेद का कारण परमात्मा। अब यज्ञ को आप किधर ले जाते हैं, प्रेय की प्राप्ति के ले जाते हैं कि श्रेय की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं? यज्ञ सबके जीवन में होना चाहिए। तो एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति यजः अधायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। जो इस प्रकार जो पृथ्वी के समान लोगों को अन्न नहीं देता, जो जल के समान लोगों की प्यास नहीं बुझाता, जो तेज के समान लोगों को प्रकाश ज्ञान नहीं देता, जो वायु के समान लोगों को प्राण नहीं देता, जो आकाश के समान लोगों को शब्द देकर उसके भाव को उद्दीप्त नहीं करता, एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति यजः, जो इस प्रकार का जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है वह अधायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। वो तो केवल पाप से भरी हुई उम्र बिता रहा है और इंद्रियों के बगीचे में भटक गया है, इंद्रियों का मजा लेने लगा है, उसका जीवन व्यर्थ गया। इसलिए जीवन होना चाहिए यज्ञमय। देते चलो रोज देखो कि आज हमने किसी भूखे को अन्न दिया कि नहीं, नंगे को कपड़ा दिया कि नहीं, रोगी की को दवा दी कि नहीं, पढ़ने वाले को जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनका पालन पोषण किया कि नहीं और जो ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था की कि नहीं। आप अपने जीवन की ओर देखिए नारायण, ये वेदांत का सार है यज्ञ जो है। तो ये चार प्रकार से निष्काम होता है। एक तो जैसे माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है वैसे ही पृथ्वी पर चलते हैं तो उसको स्वच्छ रखना कर्तव्य है, जल पीते हैं तो स्वच्छ रखना कर्तव्य है, पर्यावरण की शुद्धि पर अपने को ध्यान रखना चाहिए, आग में भी गंदी चीज डाल के धुआं न फैलाएं, पृथ्वी को भी गंदी न करें। अच्छी हमारे उड़िया बाबा जी महाराज थे, अगर किसी की माला खो जाए तो किसी की भली आदमी हो तो बोले पांचवा दूध गंगा जी को चला तब तुम्हारी माला मिलेगी।
फिर दूसरी माला देंगे या वही में रहिए, लेकिन पांच मन दूर चढ़ो, सवा मन दूर चढ़ाओ, होम करो, यज्ञ करो। तो ये जो यज्ञ हवन के रूप में होता है उसमें भी पृथ्वी का प्रयोग है, आहुति देते हैं ना अन्न की साकल है, वो पृथ्वी है, जल से अभिषेकन करते हैं वो भी यज्ञ है, अग्नि स्वयं प्रज्वलित है उसको वायु भी करते हैं, और मंत्र पढ़ करके उसको जागृत करते हैं, यज्ञ में और क्या है। अच्छा, तो अपने कर्तव्य पालन के रूप में यदि यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, तो वो निष्काम हो जाएगा। एक बार भगवान की प्रसन्नता के लिए करें कि भगवान की आज्ञा के अनुसार हम कर रहे हैं यज्ञ, अमुम यज अमुम यज, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इससे वे प्रसन्न होंगे, तो आपका कर्म यज्ञ हो जाएगा। हम किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं उसको देखते तो है नहीं, यदि उसकी जिज्ञासा का उदय हो जाए तो विदिशा सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुतय है अश्वभ, जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं वो कौन है, ये जिज्ञासा हो जाए तो वो निष्काम हो जाएगा यज्ञ। और यदि निष्काम माने संसार की वस्तुओं को न जाना, और यदि तत्व ज्ञान ही हो जाए यज्ञ के यज्ञ से, कर्माई वही संसिद्ध मास्ता लगता है नामती प्रस्थान, यज्ञ को जिज्ञासा का साधन मानता है, और विवरण प्रस्थान यज्ञ को ज्ञान का साधन मानता है, और ज्ञान से ही मुक्ति होती है, यज्ञ से मुक्ति नहीं होती, यज्ञ से ज्ञान होता है, यज्ञ से जिज्ञासा होती है, यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं, यज्ञ से अंतःकरण की शुद्धि और निष्कामता एक ही चीज प्राप्त होते हैं, और यज्ञ हमारे लौकिक पारलौकिक सबके ही संवरण करने वाला है, इसलिए यज्ञ को निष्काम ही होना चाहिए। अभी हमारे एक मित्र है मुंबई में, उनके तीन लड़के छोटे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भगवान का नाम लो, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, भूल रखो हरे राम ही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये तो गाने वालों ने उसको लंबा चौड़ा कर दिया है, और संस्कृत के पंडितों के लिए तो गा के पाठ करना वर्जित, उनको तो उनको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की तरह हरे राम पढ़ सकते। अब महाराज तुम्हारा बच्चे करें बच्चे न करें, छोटे छोटे बच्चे, तो बोले कि भाई तुम लोग जप करो, तो एक माला जिसकी ज्यादा होगी सबसे तीनों में उसको दो आना पैसा दे। अब महाराज लगी वो उनमें पचास माला करे तो 60 माला करे, तो किसी की 10 ज्यादा हो किसी की 20 ज्यादा हो उसको उतने पैसे रोज मिल जाए, यहाँ पैसा हो अब तो बोलते बैठे। अब महाराज बच्चों ने सलाह इस तरह तो हम लोग बड़े खाते हो, इसलिए एक दिन मैं 2 माला करूँ और तुम 7 माला करो, है ना, और एक दिन मैं 7 माला करूँ और तुम 2 माला करो, तो हमको एक दिन बहुत मिलेगा तुमको एक दिन बहुत मिलेगा, आपस में उन लोगों ने 60-60 कर दी। तब उन्होंने बन बड़े तलाक से बैठे महाराज बनियों बड़े तलाक। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे की लालच से जो भगवान के नाम का जप करे, पैसे के लिए
मुकदमा जीतने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, बढ़िया बहू मा पाने के लिए, बढ़िया दुलार प्राप्त करने के लिए जब दान जब करेंगे या कर्म करेंगे, वो जैसे करेंगे तो वो सकाम हो जाएगा। और जब यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए, भगवत प्रसाद के लिए, जिज्ञासा के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए करेंगे, तब वो यज्ञ जो है वो निष्काम हो जाएगा और उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ न यज्ञम अयजंत देवा कार्य धर्माणि साध्या संत देवा। यज्ञ श्रेष्ठ धर्म है। अब एक बात आपको और सुना देते हैं यज्ञ के संबंध में। परमात्मा सब चित आनंद और अद्वितीय है, तो सत्य का अंश है कि आप सत्य का अर्थ है कि आप सत्य सत्य आपका न कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु होती है, इसलिए आपका धर्म क्या है कि आप मृत्यु से डरिए मत और दूसरे को डराइए मत। ये आपका यज्ञ है। आप स्वयं डरते हैं तो यज्ञ से गिर जाते हैं और जब दूसरे को डराते हैं तो आप पापी हो जाते हैं। सबसे बड़ा पाप है अपने को सत स्वरूप होने पर भी असत समझना। आप चित स्वरूप है, आप सत स्वरूप है, मरिए मत, मारने के लिए डराइए मत, मरने के लिए डरिए मत, डराइए मत। आप चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, आप अज्ञानी मत रहिए, आप ज्ञान स्वरूप है सदा। स्व संवित भिन्न संवित अनपेक्ष, अपने से भिन्न ज्ञान की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है। दूसरे से ज्ञान की भिक्षा मत मांगिए। अपना जो ज्ञान है, अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान, उसको दीजिए और स्वयं ज्ञान स्वरूप रहिए। सत्संग पाठशाला खोलिए और व्याख्यान करवाइए, लोगों को जैसे ज्ञान मिले लोक का परलोक का वैसा ज्ञान दीजिए। ये यज्ञ बोला आप आनंद स्वरूप हैं, आप स्वयं दुखी कभी न। आप जब दुखी हो जाते हैं तब पाप करते हैं। अन्यथा संत महात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किन तेन न कृतम पापम चौरे आत्मा भावेना। जो सत्स्वरूप होकर अपने को मरने वाला मानता है वो पापी है, जो दूसरे को मरने के लिए डराता है वो पापी है, जो स्वयं अज्ञानी रहता है वो पापी है, जो दूसरे को अज्ञानी बनाता है वो पापी है, बेवकूफ बनाता है वो पापी है, और जो स्वयं दुखी रहता है वो पापी है और दूसरों को दुखी करता है वो पापी है। स्वयं सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। और अभेद आत्मा का स्वरूप हो सुनी, मिल के रहो, मिला के रहो, टूटो मत और छोड़ो मत, आपस में झगड़ा मत करो, वाद विवाद मत करो, मतभेद मत उठाओ। जहां तक अपना मत मिलता है वहां तक मिल ले लो। ईश्वर है कहाँ है, हाँ तुम तो एक ही है। वेद मानते हो कहा, हम तुमको एक ही है। सदाचार मानते हो कहा, हम तुमको एक ही है। मनुष्य हो कहा, हम तुमको एक जाति के है। मिलने वाली जो युक्ति है वो ज्यादा ढूंढना चाहिए और भेद करने वाली जो युक्ति है कि तू सुंदर और मैं ब्राह्मण, तू विरक्त मैं विरक्त, ये सब भेद अपने अंदर मत बढ़ाओ। भेद बढ़ाना पाप है। मेल मिलाप करना अपने स्वरूप के अनुरूप है। जो सच्चिदानंद अद्वै स्वरूप के अनुरूप है उसका नाम यज्ञ है, उसका नाम धर्म है।
अब रह गई प्रकार पूर्ण मदम, पूर्ण मदम एक हुआ है और एक ही है, और दोनों क्या है तो पूर्ण है। तो पूर्णता अबाध्य सत्य है और यहाँ और वहाँ दोनों बाधित सत्य है, यहाँ और वहाँ मिथ्या है और पूर्णता सत्य है, यहाँ और वहाँ का बाध सामान अधिकरण है पूर्णता के साथ, मुख्य सामान अधिकरण नहीं है। क्या क्या बोल सकते पूर्णा पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण का कार्य भी पूर्ण ही होता है, जो पूर्ण से निकलता है सो भी पूर्ण है। पूर्णा पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण आदाय और पूर्णता की पूर्णता लेकर के पूर्ण ही शेष रहता है, अर्थात कार्य कारण मिथ्या है बाधित है और पूर्णता सत्य है। देश का भेद मिथ्या है, पूर्णता सत्य है, और कार्य कारण का भेद काल भेद मिथ्या है और वस्तु पूर्णता सत्य है। और यह और वह क्योंकि अदा भी है इदम भी है और उदच्यते भी है और पूर्ण मेवावशिष्यते भी है, कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण ब्रह्म है और ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है। तो भाई ये ज्ञान से क्या फायदा हुआ? तो ज्ञान के ये फायदा हुआ कि किसी को हम अच्छा समझ के उसके राग में फंस जाते हैं, दुख पाते हैं, रागी को दुख मिलेगा वो, और किसी को बुरा समझ करके हम उससे द्वेष कर बैठते हैं तो द्वेषी का दिल जलता है, रागी का दिल रंग जाता है, किसी के रंग में पराधीन हो जाता है, विवश हो जाता है, और द्वेषी का हृदय कला हो जाता है और उसमें जलन होने लगती है। तो ये क्यों होता है? भेद में निष्ठा होने से। जब अभेद में निष्ठा हो जाएगी तो सर्व सर्वगत सर्व उदाले जो परमेश्वर है और उसका दर्शन होगा। ये विधि जग हरि आश्रित रही जगतीय सत्य देत दुख आई रजत सीपमा भाग जी जथा भाव कर बाढ़ी। तो उस पूर्णता के दूध से यहाँ और वहाँ का कार्य और कारण का तो धर्म अन्यत्र धर्म अन्यत्र जन कृता कृता वो कार्य और कारण से विलक्षण है। न तस्य कस्य जनिता न चाधिपः न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न उसका कोई पिता है और न उसका कार्य है और न उसके पास कोई करण है सामग्री है। ऐसा जो अद्वितीय परमात्मा है उसका बोध होने से मनुष्य का जीवन शत्रुता और मित्रता से ऊपर उठ जाता है, वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है, वो राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, वो जाने और आने से ऊपर उठ जाता है, वो सुख सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। जीव पूर्णता को जानने से जीवन अपना मनुष्य का जीवन परिपूर्ण हो जाता है। ओम शांति।